हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डर्बीपोर्टिन अल्फा इंजेक्शन के बारे में। इसकी फुल डिटेल जानेंगे और 4 से 5 दिन के अंदर ये होमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाता है, इसकी कितनी डोज होती है और कितनी इसकी एमआरपी होती है। तो डर्बीपोर्टिन अल्फा इंजेक्शन जो होता है, ये शरीर में होमोग्लोबिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अब बात करें कि इसकी एमआरपी कितनी होती है, तो ये एक एम्पुल यानी कि 40 mg या 0.40 ml 2000 से 2500 रुपये के रेट में मिलेगा। ये जो आपको 2000 से 2500 रुपये की एमआरपी का होता है और ये काफ़ी हाई प्राइस और महंगा इंजेक्शन है। इसको हर कोई डॉक्टर या हर कोई पेशेंट यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये मार्केट में कम बिकता है। लेकिन इसका जो यूज होता है वो इमरजेंसी के तौर पर होता है, जैसे किसी पेशेंट की किडनी फेलियर हो या कोई पेशेंट ऐसा हो जिसका तुरंत ऑपरेशन हो जाना है, सीजर होना है और वो उसके अंदर ब्लड की मात्रा या होमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो उस समय इन इंजेक्शन का एडवाइस सर्जन डॉक्टर करते हैं और पेशेंट को देते हैं। अब इमरजेंसी होती है तो आप तो इमरजेंसी में कुछ भी कर सकते हैं। जब आप अपने भाई बहन या कोई भी अपने रिलेशन में या किसी का भी ऑपरेशन कराएंगे, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है होमोग्लोबिन चढ़ाने के बाद भी या होमोग्लोबिन लगता है, उसको ब्लड लगा रहे हैं और ब्लड फिर भी नहीं रुक पा रहा है, तो उस समय इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या करता है, ये बॉडी में पहुँचने के बाद जो आपकी RBC होती हैं, सेल्स होती हैं, उन पर कंट्रोल करता है और आपकी जो है ब्लड को होमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। 4 से 5 दिन के अंदर ही ये इसके रिजल्ट देखने को मिलने लगते हैं। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो मोस्टली पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है और शरीर में ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और नोज़िया भी हो सकती है और उसको ठंड लग के फीवर भी आ सकता है। इसको कपकपाहट यानी कि बुखार आता है इसको ठंड लग के, तो ये इसके एक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यूज़ हमने बता ही दिया है कि इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लड की कमी यानी होमोग्लोबिन की कमी के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको डर्बीपोर्टिन इंजेक्शन के बारे में, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसका यूज़ होता है। आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।